हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर 2021 के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 1 से 15 जुलाई 2021 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं मध्य प्रदेश, वर्ल्ड और इंडिया से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में। टॉप 40 से ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके सारे एग्जाम, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो या कोई भी SSC का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है, तो वीडियो को एंजॉय कीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। पहला क्वेश्चन है, दरबार मूव परंपरा हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी में बंद की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव परंपरा होती थी जो इस साल 2021 में बंद की गई है। दोस्तों, आपको बता दें यह परंपरा 149 साल पुरानी है, क्योंकि ये परंपरा क्या होती थी कि जो जो ऑफिस होते थे वह जम्मू से कश्मीर लाए जाते थे जब बरसात वाला टाइम होता था उस टाइम पर। अब लेकिन क्या हुआ है कि ई ऑफिस शुरू हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में, तो अब डॉक्यूमेंट दरबार मूव नहीं होगा। करोड़ों रुपए का जो यहां से वहां ट्रांसपोर्ट का लगता था वो नहीं होगा, अब ई ऑफिस के जरिए पूरे डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो ये है दरबार मूव परंपरा जो हाल ही में जम्मू कश्मीर में बंद की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीसिस अपलोड करने में टॉप यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में कौन सी बनी है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर थीसिस अपलोड करने में मध्य प्रदेश की टॉप यूनिवर्सिटी बनी है। तो ये दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की। तो इसका गठन 1946 यानी 1946 में किया गया था। इसकी स्थापनाकर्ता हरि सिंह गौर ही है। दोस्तों, आपको बता दें यह प्रदेश की पहली विश्वविद्यालय है। इसके अलावा सेकेंड विश्वविद्यालय है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय जो इंदौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक बनाया गया है? तो दोस्तों, एन बेणुधर रेड्डी को हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें ये एन बेणुधर रेड्डी 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं। अब बात आई है ऑल इंडिया रेडियो की, तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1927 यानी 1927 में हुआ था। इसके जो मालिक हैं वह प्रसार भारती है, उसको हेडक्वार्टर दिल्ली में है। hopper.com की इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में किसने टॉप किया है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। hopper.com की इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टॉप किया है। दोस्तों, आपको बता दें क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो एक फुटबॉलर है और ये एक पोस्ट के 11 करोड़ रुपए लेती हैं, तो ये इंस्टाग्राम की रिच लिस्ट में टॉप पर हैं। दोस्तों, इसके बाद ड्वेन जॉनसन आते हैं जो सेकंड नंबर पर हैं। इसी लिस्ट में भारत के विराट कोहली, आपको बता दें भारत के विराट कोहली 9th पोजीशन पर हैं, सॉरी दोस्तों विराट कोहली 19वीं पोजीशन पर हैं और ये एक पोस्ट के 5 करोड़ रुपए लेते हैं। वहीं बात करें प्रियंका चोपड़ा की, तो भारत की एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इस लिस्ट में 27वें नंबर पर हैं। हाल ही में किसे उत्तराखंड का नया चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी को हाल ही में उत्तराखंड का नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। दोस्तों, इन्हें तीरथ सिंह रावत की जगह चुना गया है। आपको बता दें तीरथ सिंह रावत से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत CM थे, उसके बाद तीरथ सिंह रावत बने और अब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें ये 11वें मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ये बता दें कि उत्तराखंड में जितने भी CM हुए हैं अभी तक किसी ने अपना पूरा कार्यकाल नहीं किया है जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है। ICC तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर बने हैं? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है मिताली राज जो वुमन क्रिकेट खेलती हैं इंडिया से और ये कैप्टन भी रह चुकी हैं भारतीय क्रिकेट टीम की, और इन्होंने ICC के तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें दोस्तों, ये भारत की महिला टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं।
हाल ही में निपुण भारत का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत का शुभारंभ किया गया है। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। निपुण भारत का शुभारंभ शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य में हेल्थ एटीएम स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हेल्थ एटीएम को स्थापित करने की योजना बनाई गई है। दोस्तों इससे आपके बॉडी मास इंडेक्स, बीपी, बॉडी फैट, पल्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेवल आदि की जांच करा सकते हैं। दोस्तों ये फ्री रहेगा। यूपी में ऐसे एटीएमओ की स्थापना की जाएगी जहां पर ये सभी चीजों का फ्री इलाज किया जाएगा। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो चलिए आपको इसके मैप में इसकी लोकेशन के बारे में बताते हैं। दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे, ये है उत्तर प्रदेश इंडिया के मैप में। स्थापना 24 जनवरी 1950 में की गई थी, राजधानी लखनऊ है। वर्तमान जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यसभा की कुल 31 और लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में 80। राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सीटें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं पूरे भारत भर के राज्यों से। ओलंपिक सेरेमनी में भारत की ओर से ध्वजा वाहक कौन रही है? तो इसका सही ऑप्शन है मैरीकॉम। मैरीकॉम ओलंपिक सेरेमनी में भारत की ओर से ध्वजा वाहक रही हैं। दोस्तों इनके अलावा मनप्रीत सिंह जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, ये भी सेरेमनी ओलंपिक सेरेमनी में भारत की ओर से ध्वजा वाहक रहे हैं। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, क्लोजिंग जो सेरेमनी होगी उसमें बजरंग पूनिया जो पहलवान है वो ध्वजा वाहक होंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल किसे चुना गया है? तो मग्गू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल चुना गया है। दोस्तों आपको बता दें ये मध्य प्रदेश के 23वें राज्यपाल हैं। 22वें राज्यपाल लालजी टंडन थे जिनका 2020 में निधन हो गया था। उनके बाद आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की कार्यभार संभाला था राज्यपाल का, लेकिन अब मग्गू भाई छगन भाई पटेल ये मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए हैं। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो चलिए आपको मैप में उसकी लोकेशन के बताते हैं। ये मध्य प्रदेश में लोकेशन है, ये ब्रॉड मैप है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। राजधानी भोपाल है। राज्यपाल हैं, दोस्तों ये गलत हुआ, राज्यपाल हैं मगन भाई छग्गू भाई पटेल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा की 230 सीटें, राज्यसभा की 11 है और लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। वहीं बात करें पुरस्कार की, तो मध्य प्रदेश में कालिदास, शिखर तानसेन, लता मंगेशकर, शरद जोशी और कुमार गंधर्व ये प्रमुख पुरस्कार हैं। वहीं बात करें उद्यान की, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उद्यान माधवगढ़, कान्हा किसली, माधव पेंच, पन्ना, सतपुड़ा और वन विहार ये राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। वहीं बात की जाए जलप्रपात की, तो चजाई, बहुटी, धुआंधार, कपिलधारा और दुग्धधारा ये प्रमुख जलप्रपात हैं मध्य प्रदेश के। और बांधों की बात की जाए तो बरगी, राजघाट, बाणसागर, तवा, गांधी सागर और बारना ये प्रमुख बांध है मध्य प्रदेश के। तो दोस्तों यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है, आपको पूरी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती मनाई गई है और इस जयंती के उपलक्ष्य में हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि 120वीं जयंती है और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है, इसलिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुआ दिलीप कुमार का किस वर्ष इन्हें पद्म भूषण दिया गया था? तो दोस्तों आपको बता दें हाल ही में दिलीप कुमार का निधन हुआ है और इन्हें 2015 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2015। दोस्तों आपको बता दें इनकी उम्र 98 98 वर्ष थी। आन, देवदास, सौदागर, कर्मा जैसी बहुत अच्छी मूवी दी हैं दिलीप कुमार जी ने। 8 बार फिल्मफेयर अवार्ड के लिए दिलीप कुमार को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा बायो मिथाइनाइजेशन प्लांट कहाँ तैयार किया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है इंदौर। दोस्तों इंदौर में ये बायो मिथेनाइजेशन का प्लांट तैयार किया जा रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंदौर। आपको बता दें 550 टन कचरा की क्षमता है, 17,500 CNG रोज तैयार करेगा ये बायो मिथेनाइजेशन प्लांट। दोस्तों बात आई है इंदौर की, तो चलिए आपको मैप में इंदौर के बारे में बता दें और कुछ फैक्ट भी हम इंदौर के बारे में जानेंगे।
ये मैप में आप देख पा रहे हो, ये लोकेशन है इंदौर डिस्ट्रिक्ट की। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई के नाम से इंदौर को जाना जाता है। मध्य प्रदेश की मौसम वेधशाला और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान भी इंदौर में ही है। मध्य प्रदेश राज्य आयोग और वित्त आयोग इंदौर में स्थापित किया गया है। भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू इंदौर में ही है। वहीं सर्वप्रथम पुलिस कमिश्नर प्रणाली भी इंदौर में ही लागू की गई थी। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए इंदौर के बारे में, आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का चौथा अभ्यारण्य किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को हाल ही में राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व या अभ्यारण्य बनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। दोस्तों ऊपर की ये चारों देख पा रहे होंगे, ये कहां पर है तो मैं आपको बता दूं, रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंद्रा हिल्स, ये टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में ही मौजूद हैं। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको याद रखना है हाल ही में जो चौथा अभ्यारण्य बनाया गया है वह रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी को हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों इसके माध्यम से प्रत्येक गांव में प्राकृतिक पेंट इकाई की स्थापना करने का लक्ष्य नितिन गडकरी जी के द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मत्स्य सेतु ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में मत्स्य सेतु ऐप गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गिरिराज सिंह। दोस्तों ये इससे पहले मत्स्य पालन डेयरी और पशुपालन मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब ये मंत्री नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन मत्स्य सेतु ऐप का सही ऑप्शन है गिरिराज सिंह, सिर्फ गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीरभद्र सिंह का निधन हुआ या किस देश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों वीरभद्र सिंह का हाल ही में निधन हुआ और ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कुल 6 बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। बात आई हिमाचल प्रदेश की, तो मैप में आप देख पा रहे होंगे लोकेशन है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में की गई थी 25 जनवरी को। राजधानी शिमला है, यहाँ के जो गवर्नर है वह बंडारू दत्तात्रेय हैं। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर हैं। राज्यसभा की 3 और लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य ने खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है केरल। हाल ही में केरल ने खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केरल। दोस्तों बात आई है केरल की, तो चलिए आपको केरल के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताते हैं। मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे केरल है, मध्य प्रदेश भारत के मैप में ये केरल आप देख पा रहे होंगे। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। राजधानी तिरुवनंतपुरम है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, पिनराई विजयन यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा की 9 और लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं यहाँ पर। तो आपको इतना केरल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्धि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का टॉप जिला कौन सा है? तो दोस्तों समृद्धि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का टॉप जिला है सागर। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको याद रखना है। योजना में केंद्र सरकार दिहाड़ी और टपरी वालों के लिए 10,000 रुपए का ऋण दे रही है। दोस्तों इस ऋण के लिए पाने वालों में सागर सबसे आगे है मध्य प्रदेश में। बात आई है सागर की, तो चलिए आपको मैप में इसकी लोकेशन और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम चर्चा करें। ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे सागर की है। सागर दोस्तों उत्तर प्रदेश से लगा हुआ एक जिला है मध्य प्रदेश का। भारत का हृदय कहा जाता है सागर को। मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय हरिसिंगौर विश्वविद्यालय सागर में ही स्थित है। सती प्रथा के प्रथम उल्लेख एरण में देखने को मिलती हैं, जो सागर में ही स्थित है। नापतोल प्रशिक्षण संस्थान स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स की स्थापना भी सागर में ही की गई है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका नाम है नौरादेही, यह सागर में ही स्थित है। बीना तहसील में ऑयल रिफाइनरी लगाई गई है ओमान की सहायता से। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए सागर के बारे में। विंबलडन ओपन 2021 किसके द्वारा जीता गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक ने विंबलडन ओपन 2021
को जीता है। दोस्तों अगर हम बात करें महिलाओं की, तो एशली बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, उन्होंने विंबलडन ओपन 2021 को जीता है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। दोस्तों 2021 में जिसकी थीम है COVID-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव, ये इसकी थीम है। आपको बता दें विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत यूएन के द्वारा 1989 में यानी 1989 में की गई थी। यूरो कप 2021 का विजेता हाल ही में कौन सा देश बना है? तो इसका सही ऑप्शन है इटली। इटली यूरो कप 2021 का विजेता बना है। आपको बता दें 53 साल बाद इंग्लैंड को हराकर 2021 का यूरो कप इटली ने जीता है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, इटली ने 1966 में फीफा वर्ल्ड कप भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निधन हुए यशपाल शर्मा किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है क्रिकेट। ये क्रिकेट से संबंधित थे और ये एक क्रिकेटर हुआ करते थे। इनका जो उम्र है वह 66 वर्ष थी। दोस्तों इनके खिलाफ एक रिकॉर्ड है, ये कभी भी शून्य पर आउट नहीं हुए। ये महान रिकॉर्ड यशपाल शर्मा का था जो हाल ही में जिनका निधन हुआ है। हाल ही में नेपाल का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो दोस्तों शेर बहादुर देउवा को नेपाल का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, शेर बहादुर देउवा। आपको बता दें ये नेपाल के 5वें प्रधानमंत्री बने हैं। बताइए नेपाल की, तो चलिए आपको इसकी लोकेशन और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। ये नेपाल की लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, नेपाल है भारत का एक पड़ोसी देश है। यहाँ का जो भावार्थ है जन्नी जन्मभूमि स्वर्ग स्वामी स्वर्गदापी गरीयसी, ये यहाँ का भावार्थ है यानी मोटो है। राजधानी काठमांडू है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं या राष्ट्रपति हैं वह विद्या देवी भंडारी हैं जो एक महिला हैं। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा हैं और मुद्रा है जो नेपाली है। तो आपको इतना नेपाल के बारे में याद रखना है। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी किस शहर को बनाया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है सांची। सांची को मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों 75 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इस सोलर सिटी के लिए। आपको बता दें इस तरह की जो सोलर सिटी, पहली सोलर सिटी भारत की है, वह कोणार्क है जो उड़ीसा में है। आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, सांची को विश्व धरोहर विरासत में 1989 में शामिल किया गया था। हाल ही में राज्यसभा में सदन का नेता किसे चुना गया है? तो इसका सही ऑप्शन है पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता चुना गया है। आपको बता दें थावरचंद गहलोत की जगह पीयूष गोयल को राज्यसभा का सदन का नेता चुना गया है। किस जिले में प्याज की ब्रांडिंग मध्य प्रदेश सरकार करेगी? तो इसका सही ऑप्शन है सागर और दमोह। इन दोनों जिलों की प्याज की ब्रांडिंग मध्य प्रदेश सरकार करेगी। दोस्तों आत्मनिर्भर अमृत महोत्सव योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार प्याज की ब्रांडिंग करेगी। इन दोनों जिलों की जो प्याज है उसकी ब्रांडिंग मध्य प्रदेश सरकार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हाई और हायर स्कूलों के लिए योग अनिवार्य किया है? तो इसका सही ऑप्शन हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने सभी हाई और हाई स्कूलों के लिए योग अनिवार्य किया है। COVID-19 की सिचुएशन को देखते हुए ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा और अर्जुन मुंडा जो वर्तमान में आदिवासी मामले के मंत्री हैं, इन दोनों के द्वारा स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों ये जो प्रोग्राम है वह शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम चलाया जाएगा। इन दोनों ने जो केंद्रीय मंत्री हैं इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। तालिबान हमले में मारे गए दानिश सिद्दीकी को पुलित्जर अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? तो दोस्तों इन्हें 2018 में पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया था जो तालिबान हमले में हाल ही में मारे गए हैं। दोस्तों ये देश के प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट थे। इन्हें सबसे पहले पुलित्जर अवार्ड 2018 दिया गया था। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट फिल्म किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है टाइटन। टाइटन को कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 की बेस्ट फिल्म चुना गया है। दोस्तों आपको बता दें कुछ इसके कांस फिल्म फेस्टिवल के
इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, यहां पर सर्वश्रेष्ठ एक्टर किसे चुना गया है? तो कॉलेब लैंड्री जो यूएसए के हैं, इन्हें सर्वश्रेष्ठ एक्टर चुना गया है। एक्ट्रेस की बात करें तो रेनेट रेन सभी को बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। दोस्तों 2021 में इसका 74वां आयोजन था। आपको बता दें ओवल डी और अवार्ड अ नाइट इज नोइंग नथिंग इसके लिए दिया गया है, और जो टाइटन अवार्ड है यह बेस्ट फिल्म के लिए तो दिया ही गया है, साथ में पाम डी अवार्ड कांस की सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है उसके लिए भी टाइटन को चुना गया है। अब बता दें आपको कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस के कांस शहर में किया जाता है, जो इसकी स्थापना है वह 1946 में की गई थी। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में, आपको याद रखने हैं। दोस्तों अब बात आई है जो जुलाई में कुछ राज्यपाल बदले गए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें मध्य प्रदेश में जो बदले गए हैं वह जो अब नए बने हैं वह मग्गू भाई छगन भाई पटेल बने हैं। कर्नाटक के नए राज्यपाल बने हैं थावरचंद गहलोत। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस बने हैं। हरियाणा के नए जो राज्यपाल हैं वह बंडारू दत्तात्रेय बने हैं। त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य बने हैं। वहीं बात की जाए हिमाचल प्रदेश की तो राजेंद्र विश्वनाथ आर लेकर ये हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। गोवा में पीएस श्रीधरन पिल्लई ये नए राज्यपाल बने हैं। वहीं मिजोरम में हरी बाबू कंभापति ये मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट जो अपॉइंटमेंट हुई हैं 2021 में सितंबर माह में राज्यपालों की, तो मैंने एक ही वीडियो में आपको दिखा दिए एक ही स्लाइड में, तो इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की 1 से 15 जुलाई के बीच जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं उनके बारे में। दोस्तों ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और स्टडी यूनिवर्स चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो ये मेल आईडी दी गई है, इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों एक वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, और मैं अकेला हूँ दोस्तों इस चैनल के लिए। मैं ही वीडियो एडिट करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, टाइपिंग करनी पड़ती है, तो सारा कुछ करने में थोड़ा सा दोस्तों टाइम लग जाता है, इसलिए वीडियो डिले हो जाता है। लेकिन दोस्तों किसी भी मंथ का करंट अफेयर मैं नहीं छोड़ता हूँ, आपके लिए लाता हूँ, भले ही थोड़ा सा लेट हो लेकिन लाता जरूर हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, रखते हैं, चलते हैं नए वीडियो की तरफ। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं कि और भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं कितने सारे वीडियो डले हैं, कितने सारा करंट अफेयर और इसके अलावा और भी मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड क्वेश्चन वीडियो डले हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।